दोस्तों, जैसे कि आप लोग कहते हो ना मेरी गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं है, और पिकअप के लिए क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। क्लच के अंदर क्लच शू होता है, अभी हम क्लच टापा खोल रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर क्लच शू होती है, उसकी वजह से गाड़ी भागती नहीं है, और क्लच के अंदर बेल्ट भी लगी होती है, बेल्ट का भी सीन है। पता नहीं होगा उसको बेल्ट लगा। क्या हुआ? कौन सा मोबाइल तो जाएगा। दे अब दूसरा वाला दे। तो ये होता है क्लच शू, इसके अंदर लगी होती क्लच शू, ये होता है बेल्ट। तो ये फिलहाल तो बेल्ट सही है इसका, और बाकी क्लच शू देखते हैं। फिलहाल तो हमें इसका टाइमिंग चेंज करना है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रहा है खोलने की, नहीं तो अगर टाइमिंग चेंज अच्छा होता तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती खोलने की। हम इसीलिए खोल रहे हैं क्योंकि टाइमिंग चेंज हमें चेंज करना है, और टाइमिंग चेंज करने के लिए ये तो प्रॉपर खोलना ही पड़ेगा हमें। और इसके अंदर ही जो पिकअप का प्रॉब्लम होता है ना, इसके अंदर ही होता है पिकअप की प्रॉब्लम के बारे में। ये चेंज होते हैं पिकअप अच्छी हो जाती है स्कूटी के अंदर, और ये बेल्ट है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ना कैसे खुल रहा है प्रॉपर तरीके से, और इसको खोलने के लिए स्पेशल कोशिश करें भैया, प्रॉपर ये टूल का इस्तेमाल करें। काम का लोग जुगाड़ करके ऐसे कुछ भी फंसा देते हैं, उससे गरारियाँ टूट जाती है, और गरारी 500 से कम नहीं आती है। ये होता है क्लच शू। फिलहाल तो क्लच शू अच्छा है, कंडीशन भी बढ़िया है इसकी, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे क्लच शू का, और बेल्ट भी अच्छा है इसके अंदर। निकाल फिलहाल। देखो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग का कहना होता है ना, गाड़ी जब हम एक्सीलेटर देते हैं ना, जैसे कि तो एक्सीलेटर देते हैं वाइब्रेट करता है थोड़ी गाड़ी हमारी, तो वाइब्रेट का सबसे प्रॉब्लम इसके अंदर आता है तगड़े वाला। जैसे ही वाइब्रेट करता है, इसके अंदर गोलियां लगी तो 6 के 6 गोलियां, और वो कट जाती है ना प्रॉपर ढंग से, तो ही गाड़ी जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं वाइब्रेट आती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फिलहाल तो इसकी गोलियां भी ठीक ठाक है, चल सकती है, और लग तो रही है थोड़ी ख़राब, हो सकता है चेंज कर देंगे। देखो कट गया ना, और ये तो मतलब नॉर्मली कटा हुआ है, इससे भी ज़्यादा लोगों की गोलियाँ कटती मैंने देखा है। उसकी वजह से जैसे हम गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं ना, मिनट से पहले धड़धड़ाती है, वाइब्रेट करती है बहुत बुरी तरह से, मतलब कंपन होती है इस तरह से। फिलहाल देखो ये सील खुल रही है, इसके अंदर ही टाइमिंग होगा, इन्हें डालेंगे हम। ये सील को निकालना है, निकाल सील को। इधर चलो निकाल। हमारे घुसा में कहीं से भी इतने दो घुसा के निकाल के हम नया डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यार भाइयों, गुजारिश आप लोगों की, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो मेरी वीडियो को।